चिनैनी कस्बे में एक थेरेपी कैंप लगाया गया है, जिसमें जो भी ट्रीटमेंट होगा या कोई भी व्यक्ति है जिसे किसी भी तरीके की जो भी प्रॉब्लम है, वो अपने यहाँ पर चिनैनी बस स्टैंड के नज़दीक में एक मुक्तेश्वर मंदिर पड़ता है और यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है। ये तकरीबन 5 दिन तक 12-13 तारीख ये कैंप चलेगा और जो जो व्यक्ति अपना कोई भी चेकअप करवाना चाहता है तो वो आराम से इस कैंप में आए। जैसा कि इस कैंप में ये रोग रखे हैं, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल चक्कर आना, हाथों का सूजन, सिर में दर्द, कमर दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, पैरों का सूजन और आदि जैसे रोगों से जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वो अपना यहाँ पर उपचार करवा सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा, ये 5 दिन के लिए रहेगा। डॉक्टर साहब जी, ये कैंप लगाया गया है, ये किसके रिलेटिव है, ये कितने दिन कैंप चलेगा और इस ये कैंप लगाया गया इसमें किस तरह के उपचार होंगे? सर, मैं डॉक्टर के एल लोहिया, राजस्थान हनुमानगढ़ से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरोग्य जीवन संस्थान के थ्रू यहाँ आपके शहर चिनैनी में 2 तारीख से कैंप चल रहा है। इस कैंप में अभी तक तकरीबन 150 लोगों ने अपना बेनिफिट लिया है और काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। इसमें क्या है, अपना सर्वाइकल स्पोंडोलाइसिस, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पेट से संबंधित रोग, डायबिटीज, अनेक बीमारियों का ट्रीटमेंट, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई भी डिजीज है, उन सब का ट्रीटमेंट स्पेशली वक्त किया जा रहा है और हर एक पेशेंट को 5 टाइम बुलाया जाता है और एक एंट्री फीस रखी है 200 रुपये, उसमें 5 दिन तक उसका ट्रीटमेंट होता है। 5 दिन अपना ट्रीटमेंट कराएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। वाइब्रेशन थेरेपी से क्या होता है सर, वाइब्रेशन से अपने जो मसल्स है वो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है, पूरा सिर से लेकर पैर तक वाइब्रेशन होता है। ये जैसे मशीन है, आप देखो ये मशीन कर रहे हैं, इससे क्या है पूरा नीचे से ऊपर तक चोटी तक वाइब्रेशन आता है। आप बताइए सर, इनको कैसा महसूस हो रहा है आपको ये महसूस ये करके? तो आए डॉक्टर साहब, हमें बहुत ही लाभ है। मैं सारे लोगों से ये कहूँगा कि आए और इसका लाभ उठाएं। राइस जो है ना, राइस सबसे खतरनाक चीज है, वाइट राइस जो है, इसकी जगह अगर अपने मोटा अनाज खाएंगे, मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया, मक्की हो गई, मोटे अनाज में जो भी आता है वो चीज खाएं तो स्वस्थ रहने के उससे अपने आकार बढ़ेंगे और जीवन भी बढ़ेगा। जब से गेहूं और चावल इंडिया में आया है तब से डायबिटीज की प्रॉब्लम आई है, उससे पहले इंडिया में डायबिटीज नहीं थी। इसी एरिया में है हम, जैसे जैसे लोगों की डिमांड आएगी, शुद्ध महादेव है, लाठी है, इस एरिया में करना है। अभी उधमपुर हम करके आए हैं, उधमपुर बटोर की जनता की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, वहाँ कम से कम हमारे 20 कैंप हुए हैं उधमपुर सिटी में, हर एक एरिया में लोग अपने आप बुला के ले गए, भी हमारे यहाँ करो, हमारे यहाँ करो, अच्छा रिस्पॉन्स था, 100-150% हर एक। अब ये चिनैनी में आपका कैंप चल रहा है तो इसके बाद आगे का कैंप का कहाँ का होगा? अभी तो यहीं एक्सटेंड किया है लोगों की मांग पर, फिर आगे हमारा शुद्ध महादेव जाने का विचार है।